आप सभी को राम राम। मैं हूँ आपकी अपनी मंजू शर्मा और मैं आ गई हूँ नहा धो के सारा काम खत्म करके। अब मैं फटाफट से कान्हा जी को उठाऊंगी और पूजा करूंगी और उसके बाद हम करेंगे नाश्ता। भूख लग रही है बहुत तेज, आज भी थोड़ा लेट ही उठी थी। वही है ना, रूटीन से थोड़ा वो हो गया ना, तो अब सुबह जल्दी उठने का मन ही नहीं करता क्योंकि पता है कि जाना तो कहीं है ही नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा लेट उठी थी। और ये देखो इसे पूरा घर ऐसा कबाड़ घर बना दिया ना इसने अंदर वाले रूम में। मुझे एक घंटा लग गया साफ करते करते। पूरे घर में सारी चादरें फाड़ दी है, सारे में बाल बाल हैं, ये चीज़ इधर फेंक, वो चीज़ इधर फेंक, सब खराब कर दिया है। ये दीवारों के कोने हैं, किसी मतलब कोई लकड़ी का सामान है उसके कोने सब खा गया है, सब को बेकार कर दिया है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि घर में नहीं कबाड़ घर में रह रही। मुझे जितनी ज़्यादा इन सब चीज़ों से एलर्जी है उतना ज़्यादा गंदगी फैला। अब देखो उसको पता है ना, देखो जान पूछ कर पड़ रहा है। देखो तो कान्हा जी हो गए हैं रेडी और आज कान्हा जी एक कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। कोल्ड ड्रिंक ये क्या है, लीची, लीची फ्रेश, और साथ में चिप्स खाएंगे। तो कान्हा जी भोग लगाओ, बोलो राधे 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 राधे, जय श्री राधे। करो नाश्ता कर लो दोनों। नाश्ते में है कोल्ड कॉफ़ी और आज बनाई है मैगी। मुझे लग रही है भूख और किसी को इनको खाना नहीं है क्योंकि मैंने बस कोल्ड कॉफ़ी पी थी और मैगी मैं खाती नहीं हूँ ज़्यादा। खैर थोड़ी बहुत एक दो बाइट खाई थी बस मैंने, तो इसलिए मैंने अपने लिए ये कड़ी चावल ले लिए हैं और मैं फटाफट खा लूँगी इन्हें। उसके बाद मुझे खाना जी की ड्रेस बनानी है और ये सब मना कर रहे हैं, मैं तो चावल बना दिए हैं जिसको जब खाने होंगे खा लेंगे। चलो खाते हैं कड़ी चावल। जब मैंने गद्दा नीचे डाल रखा है तो जरूरी है ऊपर लेटना, नीचे नहीं बैठना आता है? अब इसे घूर क्या रहा है, हैं? मारू तुझे, हैं? नीचे बैठना नहीं आता, तूने खुशी को काट लिया है तो... ले ऊपर ही बैठना है। मैंने देखो नीचे गद्दा डाल दिया था इसका कि आराम से सो जाए, पर इसको सोना नहीं है, इसको ऊपर ही सोना है। देखो नींद आ रही है भर भर के, पता नहीं कितनी नींद आती है, और मुझे भी काट लिया रात है। दीदी को काटा था, कान देखने से दीदी को काटा था। तो मैं खुश को लेके जा रही हूँ मॉल क्योंकि उसके मुझे कपड़े लेने हैं और साथ में थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी है। और ये सुबह से ही मुझे परेशान कर रहा था कि चलो 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 चलो, तो मैंने सोचा चलो इसे घुमा लाती हूँ क्योंकि अभी इसके स्कूल खुल जाएंगे, उसके बाद तो ये कहीं भी नहीं जा पाएगा। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि जितनी भी जगह इसे घुमा लूँ। अभी लास्ट में भी मैं इसको लेके गई थी तो ये है कि थोड़ा सा इसको अच्छा लगेगा, इसलिए जा रहे हैं हम। और थोड़ी सी खरीदारी भी हो जाएगी, थोड़ा घूमना भी हो जाएगा। सैटरडे है कल, वैसे भी लेट ही उठना है तो थोड़ा घूमना फिरना हो जाएगा। और मैंने वैसे ज़्यादा कुछ नहीं किया है क्योंकि ज़्यादा कुछ मुझे करना पसंद भी नहीं है और बाहर मतलब जा रहे हैं और गर्मी इतनी है, तो इसलिए मैंने थोड़ा बहुत ही किया है बस। मैंने सबसे पहले तो मतलब वही फेस वॉश करने के बाद, टोनर लगाने के बाद मॉइस्चराइज़र लगाया है, उसके बाद मैंने सनस्क्रीन लगाई है, सनस्क्रीन के बाद मैंने बीबी क्रीम लगाई है लैक्मे की, और थोड़ा सा कॉम्पैक्ट, और लाइनर, लिपस्टिक और बिंदी, बस और कुछ नहीं लगाया है। और ये है मेरा पूरा लुक। ये मैंने पहनी है कॉटन की फ्रॉक जिसको मैं पूरी आपको बाद में दिखाऊंगी, अभी दिख नहीं रही है। दिख रहा है, दिख रहा है, चलें? चलो चलो घूमने। बहुत धूल आ रही है, सिर्फ विंडो विंडो खोले रहने, विंडो के पार पर धूप थोड़ी आएगी, धूल थोड़ी है। तेरे तो मजे ही मजे है, जब जी चाहो मुंह उठा के चलो, है ना? चलो नहीं 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 मत करो, बढ़िया सा कर दिया है ये, बहुत ही बढ़िया लगता है। और रात में तो कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है ना। ओए
तो यहाँ पर मुझे सारी की सारी वॉइस अपनी म्यूट करनी पड़ी क्योंकि यहाँ पर सभी जगह गाने बज रहे थे और कॉपीराइट आ रहा था। मैंने दो बार वीडियो डाली, दोनों बार कॉपीराइट क्लेम आ रहा था, इसलिए मुझे सबके सब वीडियो म्यूट करनी पड़ी। तो मम्मी जा रही हैं आगे आगे, ये मेरे कपड़े लिए जा रहे हैं। मम्मी कौन सा टाइट आया है? वो वाला मैंने चेंज करा दिया। ये वाला टाइट आया था मेरे, ये वाला चेंज करा। और इसका मुझे बताओ, ये जो मैंने वहां से लिया था, कोई ऑफर है या नहीं? ऐसी है, मेरे को ऑफर के बिना भी चाहिए ये, मेरे पास कटली उसकी कोई नहीं है। हां ठीक है, तो ये तो लिख लेना है ही कितने की। तो ये भैया है, क्या करेगा मोमबत्ती का है? चला गया तुम। पनीर की सब्जी है तो ये सब कुछ है, और रोटी वो लेके आएगा अभी। ए भगवान, अभी तो कुछ खाया भी नहीं, रोटी देखी वो लेके भी आ गया है। ये क्या है? अच्छी लगी कुल्फी? अच्छी है, मजे आए? खाया तो तूने कुछ भी नहीं, ना लाया है, पैसे खराब कराता है। किसके साथ जाएगा ये बता दे। तुझे इतना गुस्सा किस लिए आता है? अरे तो इसलिए बोला ना क्योंकि तू जब भी से नौटंकी दिखा रहा है, ढंग से ना खाना खा रहा है ना कपड़े ले रहा है, तो क्या करती मैं? मुझे बोलना पड़ा ना, मजबूरी मजबूरी ये है मजबूरी। ओए 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 बेटा, तुझे ही आना पड़ेगा मुझे तो। ओ बहुत जिद्दी है तू। जन्मों की मेहनत करके मैंने टिकट बुक करवाई। चालू हो गई?
नींद आ रही तुझे? 2:30 बज गया। पता नहीं क्यों नहीं आ रही, उबासी तक नहीं आई अभी तक। देखा, मुझे इतनी उबासी आ रही है, बहुत ही ज़्यादा, मुझे बहुत नींद आ रही है। हैं, 2:30 बज रहा था, सब सो गए हैं। सब सो गए और ये जो मैं कैसे पकड़ के बैठूंगी? अरे कहाँ बैठूंगी मैं, यहाँ भी भरा पड़ा है, कहाँ बैठूँ मैं? ओहो देखो, इसने सारे